एक बहुत ही सिंपल सी चेयर हम मॉडल करेंगे जिसके जरिए हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे यूज में आते हैं ज्यादातर। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स को क्रिएट करने के यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के तरीके का है। एक तो आपने बॉक्स बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करा कि उसका ग्रिड से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट बॉक्स पे क्लिक करा और डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि जब हम कोई भी स्पेसिफिक मॉडल कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे ग्रिड की स्नैपिंग को ऑन कर लेते हैं। अगर कीबोर्ड से आप एस प्रेस करते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पे स्नैपिंग ऑन हो जाती है। अब आप कोई भी चीज या कोई भी टूल वगैरह यूज कर रहे होंगे तो वो इन ग्रिड पॉइंट्स को ट्रैक कर रहा होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिंपल एक इस तरह से बॉक्स क्रिएट करा और उसके बाद ऊपर की तरफ इसकी हाइट दे दी। कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे अगेन तो इसकी स्नैपिंग ऑफ हो जाएगी। अब अगेन आप F3 प्रेस कर लें तो इसका स्मूथ व्यू आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना ये है कि एक तो जो सीट है उसका मतलब जो चेयर है उसकी बैक निकालनी है। ठीक है, और उसके अलावा उसके जो स्टेप्स होते हैं नीचे की तरफ वो निकालने। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा यूज, पहले राइट क्लिक करेंगे आप सबसे पहले तो। ठीक है, राइट क्लिक करके आपने मेक श्योर करना है कि चेक करना है कि अभी भी हमारे पास इसके पैरामीटर्स वगैरह शो हो रहे हैं नहीं हो रहे, यानी आपने इसको सिलेक्ट करा। ये देखिए मैं अब यहाँ पे आ रहे हैं पैरामीटर्स। अब ये तकरीबन वैसे ही पैरामीटर्स हैं जो हमने टी पॉट में सिलेक्ट करे। अब हमें यहाँ पे करना ये कि इसके पैरामीटर्स को थोड़ा सा बढ़ाना है और इसके सेगमेंट्स को थोड़ा सा बढ़ाना है। तो आपने यहाँ पे जाकर इसको कर दिया सबसे पहले 4। अब देखें जैसे आपने 4 यहाँ पे लिखा तो देखें इसके लेंथ में जितने सेगमेंट्स आ रहे थे वो बढ़ गए। अब इसी तरीके से आपने अगेन यहाँ पे 4 किया। ठीक है, अब देखें सेगमेंट जो हमारे पास आए हैं लेंथ और विथ में हमें सेगमेंट चाहिए थे बेसिकली। ठीक है, इसको मैं अगेन इसी स्टेज पे दिखाता हूँ आपको। बेसिकली हमें जो अभी यहाँ पे चाहिए था, हम यहाँ से इसका चाहते हैं कि इसकी बैक जो है वो एक्सट्रूड हो जाए। ठीक है ना, और यहाँ से इसके जो मेन पाए होंगे उसको हम एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे हाइट में जो है अभी कोई सेगमेंट नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको 1 ही रहने दिया। ठीक है, हाँ, बस लेंथ और विथ सेगमेंट को सेट करना है। उसके बाद आपने राइट क्लिक कर यहाँ पे करना है कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ठीक है, पहले सेगमेंट ऐड करें। बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली हो गया। अब पहले था ये जब ये बॉक्स तो ये क्या थे, ये सेगमेंट्स थे। अब ये हमारे पास एजेस में आ चुके क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ से हमारे पास एक सबसे पहले तो हम यहाँ से पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करेंगे। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने का तरीके का बहुत सिंपल है, कंट्रोल की मदद से आप इस तरीके से मल्टीपल पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सट्रूड का। ठीक है, जैसे आप एक्सट्रूड के सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास यहाँ पे एक्सट्रूड आ जाएंगे ऑप्शन। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये आपकी वैल्यू बढ़ गई, यहाँ से आपने इसको क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करने से होता है ये कि मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज ना हो, कोई डिफरेंट वैल्यूज हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट ऑन स्क्रीन अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर ये मेरे पास ये टूल होता है। ठीक है, पहले हमारे पास सेटिंग आई थी और दूसरा हमने जब इस बटन पे क्लिक करा तो हमारे पास डायरेक्ट एक्सट्रूड का ऑप्शन आ गया। ओके, इसके साथ साथ अगर आप अल्टर प्रेस करके मिडल माउस की मदद से नीचे की तरफ आना चाहें तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब आपने 4 डिफरेंट टाइप के पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करने हैं। कंट्रोल की मदद से यहाँ पे पॉलीगॉन्स को मल्टीपल टाइम सिलेक्ट किया जा सकता है इस तरीके से। अब उसके बाद आपने डायरेक्ट यहाँ पे एक्सट्रूड करवाया नीचे की तरफ। ठीक है, ये एक सिंपल चेयर इस तरह से क्रिएट की जा सकती है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे कुछ। वो कॉन्सेप्ट ये हैं कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हमारे पास गेम मॉडलिंग चल रही है। गेम मॉडलिंग में होता ये कि जितने ज्यादा कैरेक्टर के अंदर या पूरे एनवायरनमेंट के अंदर कम पॉलीगॉन्स होंगे उतना ज्यादा वो अच्छा चलेगा, उतना ज्यादा वो स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास करना ये है कि जो एक्स्ट्रा एजेस आ रही हैं, ठीक है, इनको हमें खत्म करना है। ठीक है, अब एजेस को खत्म करने का तरीकेकार क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा वो जो अंदर की तरफ आ रही है ये, हाँ ये, अब जस्ट लाइक ये जो हमारी एक जो सेगमेंट आ रहा है पूरा, ठीक है, इसका किसी भी क्रॉसिंग एज के साथ ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस एज को हमने इस तरह से सिलेक्ट करा
ठीक है। अब एक एज जिस तरह सिलेक्ट हुई है, कंट्रोल की मदद से आप मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखें, अब ये हमारे पास तो एक सिंपल सी चेयर है, लेकिन अगर ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती तो फिर हम क्या करते, तो एज को हम यहाँ पे हम सिंपल लूप करवा देते हैं। आपने देखा कि भाई ये वाली जो एज है इसको मुझे लूप करवाना है, तो आप डायरेक्ट इस लूप के बटन यानी एज के ऊपर ही आ रहा होगा। आपने यहाँ पे करवाया डायरेक्ट लूप, तो देखें जितनी भी एज क्रॉस पूरी जो आ रही थी, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओके, थोड़ा सा बाद में लिख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग का समय हो रही है ना, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड से आप जैसे प्रेस करते हैं कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस करने से होता ये है कि जो एज है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर डायरेक्ट कर देते हैं बैक स्पेस, तो पॉसिबल है कि आप जो वर्टेक्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे वर्टेक्स छुड़ जाए, ठीक है। अब जो जो वर्टेक्स जिस पोजीशन पे यानी एक्स वाई पोजीशन में मौजूद होगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन रखता है वहां पे, तो इसके लिए ज्यादा बेटर ये है कि अगर आप एज को सिलेक्ट करें, ठीक है, और कंट्रोल बैक स्पेस कर देंगे, तो वहां से होगा ये कि एज के साथ साथ वर्टेक्स भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब सेम यही चीज आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है, टू प्रेस करके एज को सिलेक्ट कर लिया, इस वाली एज को, ठीक है। अब इस एज को सिलेक्ट करा, अगेन आपने यहाँ से करवाया लूप और कर दिया कंट्रोल बैक स्पेस, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी एज है जो एक्स्ट्रा आपको नजर आ रही है, जिसको हमें खत्म करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर उसके आर्म्स हैं तो ये कौन सी, ये एज नहीं होगी, क्योंकि ये एज जो है इस एरिया को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये अब मैं कह सकता हूँ कि अब यहाँ पे कोई एज डिलीट नहीं होगी, क्योंकि हर एज जो है क्रॉस कर रही है किसी न किसी एरिया को, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होती तो फिर हम इसी एजेस को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है।